आज हम ब्रेक पे डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है ब्रेक, और जनरली हम ड्रम ब्रेक पे आज बात करने वाले हैं। तो ड्रम ब्रेक देखने से पहले कुछ ब्रेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल ब्रेक क्यों नेसेसिटी है, क्यों जरूरी है, क्या होता है, क्यों ब्रेक लगता है। एक चीज तो आपको जान रहे होगे, कोई बॉडी अगर मूव हो रही है किसी सरफेस पे तो उस पर फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। एक तो हमारी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे मूव कर रही है तो उनके बीच में जो मोशन को अपोज, जो फोर्स किसी मोशन को अपोज करता है उसी को फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। कोई भी मोशन को कोई फोर्स अपोज करता है तो उसको फ्रिक्शन हम कहते हैं, ठीक, क्लियर है। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव करता है तो जो उसके रफनेस के कारण, इंटर सरफेस पे रफनेस के कारण, उसके इंटरलॉकिंग के कारण जो फ्रिक्शन एक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो क्या करता है वो फ्रिक्शन, बॉडी को स्लो करने लगता है। अगर आप पावर जो उस पर प्रोवाइड कर रहे हो अपनी बॉडी को मूव करने के लिए, जो पावर आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर उसको आप कम कर दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फ्रिक्शन आप पे हावी होता जाएगा और एक टाइम आएगा वो फ्रिक्शन आपके पावर को खत्म करके खुद रोक देगा, है ना, आपकी बॉडी को रोक देगा, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। यही काम है। तो हम ब्रेकिंग में भी जो हमारा मेन पार्ट है वो फ्रिक्शन का ही है, फ्रिक्शन के कारण ही हमारा ब्रेक लगता है, क्लियर है। तो एसेंशियल क्या है ब्रेक यूज, द मेन पर्पस ऑफ फिटिंग ब्रेक्स ऑन मोटर व्हीकल्स जनरली, व्हाट इज द मेन फंक्शन फॉर फिटिंग द ब्रेक्स ऑन द ऑटोमोबाइल इन इमरजेंसी कंडीशन, यू हैव टू ब्रेक द व्हीकल्स, स्टॉप द व्हीकल्स, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है तो आप उसके, अगर आप अपनी गाड़ी रन कर रही है, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो अब कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कोई अचानक सामने आ ही गया तो आप तो रोक नहीं पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कुछ इमरजेंसी या फिर आपको ऐसा कुछ हो रहा है कि अचानक कुछ, आप कोई हिल्स से आ रहे हो, आप गाड़ी आपकी रिवर्स ही भागने लगी तो ब्रेक उसके वहां भी काम आएगा। कहीं अप हिल पे चल रहे हो तो अपनी गाड़ी को स्टेबिलिटी एक पोजिशन पर रखने के लिए आप ब्रेक का यूज करते हो, क्लियर है। ये सब है ब्रेक के कुछ एडवांटेजेस है। दो टाइप के ब्रेक हमारे होते हैं, सर्विस ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक। सर्विस ब्रेक वो जो हम हमेशा यूज करते हैं ट्रैफिक में, आप कहीं पार्किंग के टाइम पे, दैट्स कॉल्ड द सर्विस ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक कब हुआ, जब आप किसी इमरजेंसी केस में हो, फॉर एग्जांपल कोई अचानक सामने आ गया आपके, या फिर एक्सीडेंट के टाइम पे हो गया, तो वो इमरजेंसी ब्रेक यूज करते हैं। तो इमरजेंसी ब्रेक जो होता है वो जनरली हम हैंड से ऑपरेट करते हैं, और जो हमारे सर्विस ब्रेक्स होते हैं उसको हम हमेशा अपने फुट से यूज करते हैं। तो ठीक है, तो दो टाइप के हमारे ब्रेक होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला मैं कौन सा ब्रेक बताया आपको, फर्स्ट, पहले मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूं। फर्स्ट हमारा ब्रेक है दैट्स कॉल्ड सर्विस, ठीक है, सर्विस ब्रेक। और दूसरा कौन सा ब्रेक होता है हमारा, दूसरा इज इमरजेंसी ब्रेक, ये आपको माइंड में रखना है। सर्विस ब्रेक जनरली हम किससे ऑपरेट करते हैं, फुट से, और जो हमारा इमरजेंसी ब्रेक होता है वो किससे ऑपरेट होता है, वाया आपका हैंड, ठीक है। क्यों ब्रेक यूज करते हैं ये सब हमें जानता है। फ्रिक्शन ब्रेक्स आर मोस्ट कॉमन एंड कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू शूज एंड पैड। पैड क्या होता है, जो आपने साइकिल्स में देखा है, अगर आप साइकिल में देखे होंगे तो ये अगर साइकिल का मेन व्हील है तो इसमें ऐसा कुछ बना होता है, और इधर की ओर ये पैड्स लगे होते हैं, दिस इज पैड, इसको कहते हैं पैड। तो जनरली हमारा जो भी ब्रेक हम यूज कर रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल में, जो भी ब्रेक यूज करते हैं फ्रिक्शन के कारण ही रुकता है। तो जनरली दो टाइप का हम जो फ्रिक्शन जो सरफेसेस हैं वो, एक या तो पैड के थ्रू हम फ्रिक्शन जनरेट करते हैं और रोकते हैं अपने व्हीकल्स को, रोटेटिंग व्हील को, या विद द हेल्प ऑफ शू जो आप हमारे व्हीकल्स में लगे होते हैं। जनरली ये देखो आप चाहे फिर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये जो हमारा ब्रेक लाइनिंग है, ये आपका आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस में ये आपकी ब्रेक लाइनिंग, देखो यहाँ पे टच है। जैसे जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी तेजी से टच होगा और आपका व्हील रोटेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम ड्रम ब्रेक यहाँ पे जनरली डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रम ब्रेक हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम ड्रम ब्रेक हमारा काम कैसे करता है। तो जनरली हमारा दो टाइप का ड्रम ब्रेक भी होता है, ठीक है, दो टाइप का हमारा ड्रम ब्रेक होता है। एक तो हम कैम का यूज करते हैं, कैम फॉलोवर याद आया, टोम थ्योरी ऑफ मशीन में आप पढ़ रहे होंगे, कैम किस तरीके का, ऐसा ओवल शेप का होता है कैम, ऐसा ओवल शेप का होता है ना, इसको मैं और अच्छे से बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, ठीक है।
ये सही सेप है, ये हमारा कैम। तो एक कैम की हेल्प से हम अपनी ड्रम ब्रेक को डिफाइन करते हैं, और दूसरा एक्सपेंडर, एक्सपेंडर की हेल्प से। ये दो तरीके से हम अपने ड्रम ब्रेक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी सारे पार्ट सेम रहेंगे। ये देखो, ये कैम, यहाँ पे आपको कैम दिख रहा होगा, हाँ ये हमारा कैम है, इसको हम कह रहे हैं कैम। यहीं पे अगर हम एक एक्सपेंडर टाइप के डिवाइस यूज कर देंगे तो हमारा जो ब्रेक ड्रम होगा उसको हम कहेंगे एक्सपेंडर टाइप ब्रेक ड्रम, या आप हाइड्रोलिक ब्रेक ड्रम भी कह सकते हो उसको, ठीक है। मैं इस पर डिस्कस अभी करूंगा, फिलहाल सबसे पहले हम कैम ब्रेक हमारा कैसे काम करता है हम उस पर जरा ध्यान। तो ये देखिए, ये आपका व्हील का आउटर पार्ट है, ये आपके व्हील का आउटर पार्ट है, ठीक है। जैसे दिख रहा है ऐसा ये मैकेनिज्म रहता है, ये आपकी ब्रेक लाइनिंग है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे बना के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये आपका व्हील हो गया, अगर आपने बाइक का व्हील देखा होगा, ठीक है, ये आपका व्हील हो गया। यहाँ पे बीच में ड्रम लगा होता है, हर एक बाइक के बीच में ड्रम लगा रहता है, और इसी ड्रम के अंदर हम अपने ब्रेक का अरेंजमेंट को पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेक के अंदर लाइनिंग होता है, ब्रेक लाइनिंग एक इधर की ओर ऐसे दो चार लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये और ये लगा लगा हुआ है ना ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग जनरली एस्बेस्टस मटेरियल का बना होता है, बहुत हार्ड मटेरियल होता है एस्बेस्टस, काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है उसपे। इजिली आप ब्रेक अगर उस पर हल्का सा भी अगर पार्ट से टच करोगे तो इजिली ब्रेक अप्लाई होता है, हीट रेजिस्टिव होता है मटेरियल जो है, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो हीट बहुत ज्यादा हो रहा होगा। कोई नॉर्मल मटेरियल हम यूज करेंगे तो एक दो बार काम करेगा, फिर वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, या उसकी जो रफनेस है वो चली जाएगी, तो फिर हमारा ब्रेक फेल हो जाएगा। तो इसीलिए लोकल कंपनी का कभी भी ब्रेक यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम कैम, जैसे हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं, ब्रेक पैडल को प्रेस करते ही हमारा मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैम है, ये कैम किसी मैकेनिज्म के थ्रू हमारे ब्रेक पैडल से ऐसे अटैच होता है। अब जैसे ब्रेक पैडल को आप प्रेस करते हो, ये इधर की ओर मूव होता है और ये इधर की ओर मूव होगा। इधर मूव होने से तो अभी जो आपका कैम इस डायरेक्शन में दिख रहा है, ये अभी इंगेजिंग, अभी आपका इंगेज है। जनरली हमारा वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। और जब आप ब्रेक पैडल करते हो तो ये हमारा इस तरीके से हो जाता है, कैम हमारा इस तरीके से होता है। तो जो हमारा ये ब्रेक प्लेट है, ठीक है, दिस इज द ब्रेक प्लेट, ये स्प्रिंग लगा रहता है, और दिस इज एंकर पॉइंट, इसी पॉइंट से हमारा अटैच होता है, ठीक है। एक पॉइंट होता है, क्लियर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा ऐसे अटैच होता है, ठीक है। ये हमारा जो है ये ब्रेक लाइनिंग एस्बेस्टस मटेरियल के बल बना होता है, इन्हीं के बीच में इस तरीके से हमारा क्या लगा रहता है, कैम, ये कैम है, और कैम अपने मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे आप कैम को प्रेस करते हो, तो कैम को प्रेस करने से क्या होता है, कैम को प्रेस करने से कैम इस डायरेक्शन में हो जाता है, इस डायरेक्शन में होने से ये जो पैड लाइनिंग है ये कहां, इधर की ओर हो जाते हैं, ठीक है। ये पैड इधर की ओर, इधर भी पीछे की ओर फोर्स लगेगा, इस पे पीछे की ओर होगा, और पीछे की ओर जगह तो है नहीं, पीछे की ओर क्या है हमारा ड्रम ब्रेक, जो ड्रम है आपका व्हील का ड्रम है, उससे जाके ये फोर्सली अटैच हो जाता है, हर पॉइंट पे ये फोर्सली अटैच हो जाता है। तो ऐसे में हमारा ब्रेक एक्ट एक्ट हो जाता है, ये आपका जो व्हील का जो ड्रम है, इस ड्रम से आपका लाइनिंग फुल्ली फुल्ली फोर्स से अटैच हो जाता है, तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, फ्रिक्शन होता है अपने ड्रम के बीच में और ब्रेक पैड्स के बीच में, और हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो ये था हमारा कैम। कैम कैसे काम करता है आपको बताया, पहले ये इस तरीके से होता है नॉर्मल, जब डिसंगेज के जैसे ब्रेक पैडल करते हो, ये जब आप फोर्स एक्ट होता है तो ये क्या होता है, कैम हमारा घूमकर इस तरीके से हो जाता है, और यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पे हमारा ब्रेक एक्ट होता है। ये दोनों पॉइंट पे जब हमारा फोर्स लगेगा तो ये पैड क्या होगा, ये पैड पीछे की ओर जाएगा, और दोनों पैड पीछे की ओर जाने, पीछे तो जगह है नहीं, वो हमारे ड्रम से टकराएगा, ड्रम पे फोर्स लगाएगा, और उससे हमारा रोटेट जो फ्रिक्शन के कारण आपकी व्हील रुकने लगेगी, ठीक है। ये हमारा था कैम। अब हम देखने वाले हैं एक्सपेंडर किस तरीके से काम करता है। ओके, तो ये देखिए एक्सपेंडर टाइप, एक्सपेंडर ये हमारा जो है, दिस इज एक्सपेंडर, ठीक है, दिस इज एक्सपेंडर। क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर रहता है, ठीक है, इसमें हमारे ऑयल रहते हैं, सिलेंडर में ब्रेक ऑयल का हम यूज करते हैं, ठीक
ठीक है, ऐसे ही 103, 3303 ये सब हमारे ब्रेक ऑयल हैं, अलग अलग ब्रांड के भी आते हैं। तो जब आप ब्रेक पैडल पे ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक पैडल पे ब्रेक अप्लाई करते हो, तो ये जो पिस्टन है हमारे सिलेंडर में, ये पिस्टन क्या होता है, आगे की ओर जाता है। पिस्टन की आगे, पिस्टन का इस मूवमेंट के कारण इसके अंदर जो भी फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड क्या होता है, इस पाइप के थ्रू ये जो फ्लूइड है वो आ जाता है इसमें पूरा, और ये फ्लूइड को यहाँ पे फिल होने से, इस फ्लूइड को फिल होने से क्या होगा, आपका जो ये एक्सपेंडर है ये एक्सपेंड होगा, और ये आपका जो ब्रेक लाइनिंग है इस पे फोर्स लगाएगा, ये जो आपका ब्रेक लाइनिंग है इस पे फोर्स लगाएगा, और ये जो दोनों ब्रेक लाइन है इस पॉइंट से हिंज है, इस पॉइंट से हिंज है। तो जब ब्रेक लाइन पे, ये आपका ब्रेक लाइनिंग है, ये पूरा आपका ब्रेक लाइनिंग है, लाइक दिस, दिस इज द ब्रेक लाइनिंग, ये पूरा आपका ब्रेक लाइनिंग है, ठीक है। जब ये एक्सपेंडर एक्सपेंड होगा तो ये जो ब्रेक सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होगा, ये दोनों सरफेस पे हमारा एक्सपेंडर का फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। तो ये क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा, ये आपका ड्रम है, ये जो एक्सपेंडर ये आपके ड्रम पे आके अटैच हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा फोर्स कहाँ लगाएगा, अपने ड्रम पे। तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि हमारा कैम टाइप ड्रम ब्रेक में होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये हमारे ड्रम ब्रेक पे जब ये फ्रिक्शन लगाता है, ये फोर्स लगाता है, तो हमारी व्हील रुकने लगती है, ठीक है। तो एक्सपेंडर में हम जनरली सिलेंडर और ऑयल का यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑयल के थ्रू जो पावर, हाइड्रोलिक तरीके, एक तरीके हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ये हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक ड्रम सिस्टम, ठीक है। और इससे पहले जो हमने देखा था, ये जो फिगर है हमारा, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, ठीक है, बिकॉज इसमें हम मैकेनिकल सारे इक्विपमेंट्स जो है वो मैकेनिकली यूज कर रहे हैं, इसमें हम कैम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैम जो हमारा विद द हेल्प ऑफ लिंकेज कनेक्ट होता है अपने ब्रेक पैडल से। यहाँ पे देखोगे हमारा एक्सपेंडर, बाकी तो सब सस्पेंशन तो ब्रेक ड्रम का ही है, बट यहाँ पे हम सिस्टम हाइड्रोलिक का यूज कर दी, इतना जो सिस्टम है, दैट इज एक्सपेंडर हो गया, ये पाइप हो गया, ब्रेक लाइनिंग हो गया, दैट इज द पाइप जिसको बोल रहा हूँ मैं, ये दिस इज ब्रेक लाइनिंग, और जो सिलेंडर का पार्ट हो गया, ये होल पार्ट आर इन हाइड्रोलिक। तो ये हाइड्रोलिक वाले पार्ट को अगर हम अपने ब्रेक ड्रम में लगा देंगे तो बन जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक ड्रम, और उसको हटा कर उसकी जगह पे हम कैम, एक मैकेनिकल डिवाइस का यूज कर देते हैं, तो बन जाता है हमारा मैकेनिकल ब्रेक ड्रम सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो टाइप के जनरली ब्रेक होता है हमारा, एक तो होता है हमारा ड्रम ब्रेक, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है डिस्क ब्रेक। अब उसमें हमारे हाइड्रोलिक होते हैं, पेन्यूमेटिक होते हैं, ये सब हम वन बाय वन देखेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम में हमारा, जैसे अभी ये हमारा ड्रम ब्रेक था, ड्रम ब्रेक में हमने ये लगाया तो मैकेनिकल ब्रेक हो गया, ड्रम ब्रेक में मैंने हाइड्रोलिक का पार्ट लगा दिया तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हो गया, ड्रम ब्रेक में ही मैंने पेन्यूमेटिक का सिस्टम लगा दूंगा तो पेन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके okay.